साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला. अभी स्कूल खुले थे, अभी फिर से बंद होने जा रहे हैं ड्यू टू द राइज इन द कोरोना केसेस. अब क्या आपका मौके थे इस पे? देखिए, एक तो बात यह है कि जब चीज़ें ये डिसाइड हो रही होती हैं तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि हमें इसमें ऑन बोर्ड लिया जाए, हमें चीज़ों को बताया जाए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और सब चीज़ें क्या हैं. लेकिन हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि COVID-19 में जो SOPs फॉलो हुए हैं वो वाहिर सेक्टर स्कूल या तालीमी इदारे जहाँ फॉलो हो रहे हैं, अब अगर उनको भी आप बंद कर देंगे तो फिर बाकी इदारों को भी बंद किया जाए. कल एक मैं आपको एक वाक्य बताऊँ, कल मेरी एक चैनल पे गुफ्तगू हो रही थी, वहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ भी मौजूद थे, तो वो कहने लगे कि हमने मवेशी मंडियों को वार्निंग दी है, हमने मॉल्स को वार्निंग दी है. तो मैंने बड़ा ताज्जुब का इजहार किया, मैंने कहा हमें तो आज तक वार्निंग नहीं दी गई जबकि हम SOP फॉलो कर रहे हैं, तो हमें वार्निंग क्यों नहीं दी जाती? शायद आपको इसलिए वार्निंग नहीं दी क्योंकि आप SOP फॉलो कर रहे थे. एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही है. और वो सब अभी भी खुले हुए, मवेशी मंडी आज भी खुली हुई है, आप देखें उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जबकि वहाँ SOP के SOP का नाम तक नहीं लिया जाता. तो वहाँ पर क्यों किया जा रहा है? तारिक, आपको नहीं लगता, देखिए वहाँ पे तो मवेशी मंडी आप जाए या ना जाए वो लाजिम मज़ूम नहीं है, लेकिन स्कूल्स में तो बच्चों का जाना काफी ज्यादा लाजिम है. बच्चे नहीं जाएंगे फॉलो रहे. और मैं आपको बताऊँ, बाय फोर्स असातिज़ा को वैक्सीनेशन लगवाई गई है. जहाँ टीचर्स रिजिस्ट कर रहे थे उनको बाय फोर्स लगाया गया कि भाई आप अगर करेंगे तो ठीक है वरना आप स्कूल से फारिग हैं. तो ये सब चीजें की गई हैं. तो अब जब और उस पर ये अश्योरिटी दिलाई गई थी कि आप वैक्सीनेशन 100% करा लें तो वो फिर लॉकडाउन. इस एस्पेक्ट पे बात कर लें, आपने कहा कि बाय फोर्स असातिज़ा को, यानी कि टीचर जो कि दूसरों को गाइड करते हैं, हम यहाँ पर बैठ के जिस तरह से कर रहे हैं कि जनाब वैक्सीनेशन लगवाएं, इसी तरह से एक टीचर ये पैगाम देगा कि जनाब आपने वैक्सीनेशन करानी है तो लोगों पे उसका असर ये होगा कि बच्चे जाके घर वाले. बिल्कुल. तो ये असातिज़ा में क्या खदशात थे जिनकी वजह से वो कह रहे थे कि नहीं लगवाएं? वही रूमर जो आप सबको मिल रहे थे कि टू ईयर्स के बाद सब मर जाएंगे और इस तरह के और बहुत सारी चीजें. मतलब बंदा पूछे कोविड को आए भी 2 साल नहीं हुए, पता नहीं कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी बातें थी. लेकिन ये है कि उनको जैसे जिंदगी का वैसे भरोसा है कि 2 साल तक जिएंगे. एग्जैक्टली. हाँ, तो वो उनको मोटिवेट किया गया और टीचर्स ने भी इसको समझा, लेकिन बहुत कम ऐसे थे टीचर जिन्होंने रिजिस्ट किया लेकिन बाकी सबने जाके लगाया. लेकिन वही वाली बात है कि हमने तो यही कहा था कि स्कूल से फारिग हो जाएंगे वो टीचर. तो शायद मुझे बताएं कि अगर ठीक है गवर्नमेंट आपको इस हवाले से लूप होल भी मिले लेती, अभी जो उनका स्पेसिफिक जो टास्क फोर्स का इजलास हुआ उसमें भी आपको बुला लेते, उनको आपको भी बताते कि भाई देखें 17% केसेस कराची में हो गए, हमें स्कूल बंद करने होंगे, तो अगर वो आपको एतमाद में लेते तो आपको क्या रिएक्शन होता? आप उनका साथ देते कि हाँ भाई क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं? एतमाद में जरूर लिया जाता, लेकिन फिर हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज भी वहाँ बताते हैं कि देखें कंटिन्यूएशन जो है ना वो एजुकेशन की नहीं रही, डिसकंटिन्यूड एजुकेशन रही है. और इस साल के अंदर हम ये प्लान बना के बैठे हुए थे कि पिछला साल जो लॉस हुआ है उसको कवर, वो भी हम कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन को भी पढ़ाएंगे. तो अगर अभी भी हम लॉकडाउन में रहेंगे नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये चीज, ये तो आपके हेल्प है. दूसरा ये है कि एक तो आपकी ग्राउंड रियलिटीज हैं और एक उनकी ग्राउंड रियलिटीज हैं, और होगा वही जो जाहिर है कि गवर्नमेंट को लगेगा कि ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये एक बेहतर चीज है. तो अब उसके अंदर ये तो हो गया, ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर आपके पास अब क्या ऑप्शन है? नहीं, ऑल्टरनेट में देखें वही है, ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, जिसको पेरेंट अब करने के लिए तैयार नहीं है. पेरेंट साफ ही कहते हैं कि बच्चा स्कूल आएगा तो हम मानते हैं फिर आप कुछ पढ़ा रहे हैं, वरना ऑनलाइन में हम कुछ नहीं समझते कि बच्चा पढ़ रहा है. तो ये एक पेरेंट की जब साइकी बन जाएगी तो फिर बच्चों को घर पे नहीं पढ़ाएंगे, और जब वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तालीम का इस सेशन में क्या लॉस होने जा रहा है वो पिछले साल से ज्यादा. क्या लगता है? चले ठीक है, अगर आप लोगों से हम सोल्यूशन लें कि आप सोल्यूशन बताएं तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, ये हम भी अंडरस्टैंड करें कि कभी बच्चा हमारा ऑनलाइन सिस्टम में आता है, फिर बेचारा स्कूल जाता है, फिर कभी तीसरी लहर आ जाती है, कभी देखने की लहर आ जाती है, कभी चौथी लहर आ जाती है. तो आपका अब क्या आगे है, आप लोग क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि देखिए इंटरनेशनली आप देखें, डेल्टा वेरिएंट इंटरनेशनली भी आया, वहां पर स्कूल्स बंद नहीं किए गए, वहां पर लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग होती है, वहाँ पे टेस्टिंग होती है, पूरी क्लास आइसोलेशन में चली जाती है. हाँ हाँ, ये होगा, लेकिन आप ये देखें यही चीज आप यहाँ ले आए, लेकिन यही ना हो कि उसके अंदर फिर टेस्टिंग के अंदर फिर वो मॉनिटरी टर्म्स में बहुत ज्यादा टेस्टिंग, फ्री टेस्टिंग लेकर आए स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स टेस्टिंग करें रैंडम बेसिस पे, अपनी टीम्स बढ़ाएं कि वो इंस्पेक्ट कर सकें. ये चीजें जो है बंद करना, ये मामला इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये मामला है फंड्स का. अब ये जो वेरियंट्स आ रहे हैं नए, डेल्टा हो गया, लैम्डा हो गया, कोई भी, इनका पता चलाने के लिए PCR टेस्टिंग काफी नहीं है, उनके लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है. ठीक है, वो महंगा टेस्ट है और वो हर जगह उस तरह से अवेलेबल भी नहीं है और इतना अफोर्डेबल भी नहीं है. तो इस वक्त तो जो सिचुएशन उसके हिसाब से आपको, लेकिन ये देखे जाए ना, बच्चों में ये केसेस नहीं आते,
आते हैं, अब रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो अभी जो नया जो कोविड का जो वेरिएंट आया है उसका मसला ही यही था, थर्ड लेयर ने बच्चों को भी बड़ा मुतासर किया था, तो इसलिए माँ बाप का ज्यादा कंसर्न तो शायद यहाँ का कंसर्न है, बिल्कुल है। लेकिन देखें, आपको क्या लगता है कि ये कोरोना वायरस, ये जो पूरे लॉकडाउन, ये जो पूरे पेंडेमिक है, ये जल्दी एंड हो जाएगा, ये चलेगा? मतलब इसके अंदर हमें वे ऑफ लाइफ ढूंढना पड़ेगा, इसमें वे ऑफ मींस आपको ढूंढने पड़ेंगे कि आप किस तरह से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें, क्योंकि ये इस तरह से अगर आप पूरा लॉकडाउन रखेंगे, पूरी दुनिया तो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तो फिर आपके बच्चे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार टेस्टिंग की भी जरूरत और अक्सर देती, बिकॉज माई फ्रेंड टीचर्स इन स्कूल, और आए दिन हम देख रहे होते हैं वो आइसोलेशन में है, क्योंकि ऐसा होता है स्कूल क्लास में किसी एक बच्चे का जी पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद पर्टिकुलर क्लास आइसोलेशन में चली जाती है, पूरा स्कूल नहीं जाता। ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ये कोई प्राइवेटली काम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को स्टेप अप करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि अब हमें पेंडेमिक में कैसे जीना है। तो ये बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि आप लॉकडाउन करें और बरी पूरा लायमल बनाना पड़ेगा, अब आपको लगेगा जाब्ता हयात बनाना पड़ेगा कि कोविड तो कहीं नहीं जा रहा, तो हमें कोविड के होते हुए अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। जैसे हम लोग भी अगर पर्टिकुलर रोज ऑफिस आते हैं तो हम भी जाब्ता हयात हमने अपना ही बना लिया। बहुत शुक्रिया जी।